न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कानपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए 8 पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। कहा, जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे हत्यारे। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट की समीक्षा। कहा, अच्छा कार्य करने वाले टेक्नीशियन और नर्सों को किया जाए सम्मानित, बढ़ाया जाए उनका हौसला। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 5 जुलाई को जिले में लगाए जाएंगे 40 से 50 लाख पौधे, प्रभारी मंत्री हो सकते हैं शामिल। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक। कोरोना संक्रमितों की चिन्हित कर जांच कराने के दिए निर्देश। महानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम, एसएसपी और एसडीएम सदर ने शुक्रवार को शाहपुर थाना क्षेत्र में बनाए गए हॉट स्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण। लोगों को कोरोना के बचाव के प्रति किया जागरूक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ड्यूटी पर लगाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक। डीएम ने कहा, कोरोना संक्रमण को रोकने में सेक्टर मजिस्ट्रेटों की है अहम भूमिका। 5 जुलाई को वन महोत्सव के तहत जिले में लगभग 36,52,000 पौधे चिड़ियाघर में, 40,000 पौधों के साथ वन विभाग सहित अन्य विभाग द्वारा 36 लाख से अधिक होगा पौधरोपण। प्रभागी वनाधिकारी अविनाश कुमार ने दी जानकारी। गोरखपुर जिले में शुक्रवार को मिले 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 397, जबकि 262 हो चुके हैं डिस्चार्ज। 13 लोगों की हो चुकी है मौत। एक्टिव केस 122। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। 5 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आगमन के दौरान पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर एसएसपी ने पुलिस परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, जल संरक्षण के साथ सुमेर सागर ताल को पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। जनपद वासियों को मनोरंजन के साथ मिलेगा शुद्ध वातावरण। कानपुर में मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। सरकार से शहीदों के परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक सहायता की सीमा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने कानपुर में अपराधियों द्वारा किए गए हमले में हुए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मुआवजा देने और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में शुक्रवार को किया गया कॉलेज की वेबसाइट का लॉन्चिंग। प्रधानाचार्य ने कहा, वेबसाइट के माध्यम से छात्र, शिक्षक सहित अन्य लोग कॉलेज की सूचनाओं से हो सकेंगे अवगत।